हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। क्या मीनिंग है इसका, ज़रा देखते हैं इसको कि व्हाट डू यू मीन परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस। फॉर्मूला है, ड्राइव करते हैं फॉर्मूला को। टफ नहीं है, रटेंगे भी नहीं, आराम से समझेंगे इस चीज़ को क्या चीज़ है। एक बात था ना, मैंने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस होता है वो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं अगर सुना है कोई बात नहीं, अब समझ लो इस चीज़ को कि आपको जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी में प्रॉफिट होगा आपको। जैसे मैं शॉपकीपर हूँ, मैं 10 रुपीज़ का लेके आया मार्केट से, मैं शॉपकीपर लेके आया हूँ 10 रुपीज़ का, तो दिस इज़ माई कॉस्ट प्राइस, ओके। उसके बाद में अगर मैं इसको 15 का बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हुआ, आप खुद ही बोल दोगे सर आप तो 10 का लेके आए थे, 15 का बेच दिया, क्या बात है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये खुद ने कैलकुलेशन किया अपने, ठीक है, कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। 5 रुपीज़ का प्रॉफिट किस पे हुआ मुझे, क्या 15 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है? नहीं, मैं तो इन्वेस्ट कितना किया था, मैंने 10 रुपीज़ ही तो इन्वेस्ट किया था, तो मेरे को जो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मेरी पॉकेट से स्टार्टिंग में तो 10 ही गए थे, ठीक है, तो मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 10 पे। यानी आप बोलोगे सर आपने 10 रुपीज़ लगाए और आपको 5 का प्रॉफिट हो गया, कभी ये बोलोगे सर आपने 15 लगाए और 5 का प्रॉफिट हो गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे कभी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, और जो लॉस होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा। कैसे, वही 10 रुपीज़ का लेके आया लेकिन हो सकता है थोड़ा ख़राब वराब हो गया, मुझे लगा चलो ठीक है कोई ख़रीदने आया, मैंने कहा यार देखो थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, बोला अच्छा, बोला चल तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो एक काम करो चलो 8 रुपये दे दो, 8 रुपीज़ में ले जाओ, तो मुझे 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। किस पे, वही 10 रुपीज़ के ऊपर। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेशन होगा इनका और किसी पे कैलकुलेशन इनका नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने बोला कि सर आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाज 5 आउट ऑफ कितने पे हुआ, 10 रुपीज़ पे तो हुआ था प्रॉफिट मुझे। इसका मतलब कि 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज़ पे, क्या बन गया ये, क्या ये प्रॉफिट नहीं है? एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, जो अपन ने एग्जांपल लिया था, ये 10 क्या मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं था? इसका मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है। कुछ 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 अब आपको लगने लग गया होगा, क्या फॉर्मूला 7th क्लास में आ जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट हो रहा है मेरा। और अगर इसी की बात करूँ मैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, तो ये बन जाएगा अपना परसेंटेज प्रॉफिट, क्या बोले कि प्रॉफिट किस पे, आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 का मतलब होता है 100%। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज प्रॉफिट, कि प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, किस पे प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई बाय 100%। और ऐसे अगर मैं लॉस की बात करूँ तो परसेंटेज लॉस होगा वो होगा लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई बाय वही 1 मीन्स 100%। तो परसेंटेज प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, परसेंटेज लॉस, लॉस हो रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लेना इन फॉर्मूला को। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सुन लो क्या बात है, कि सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, देन स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट। कोई भी खरीद के जब बेचता है तो अपने आप को शॉपकीपर समझ सकता है कि कुछ खरीद के लेके आया और उसको बाद में सेल कर दिया, मतलब वो शॉपकीपर है। तो सोहन ने कितने में परचेज़ किया सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, 2500 रुपीज़। तो हमें गीवन क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस गीवन है क्योंकि वो खरीद के लेके आया था, कितने में, 2500। रिपेयरिंग में भी कुछ लगाया, ओके, ठीक है,
कितना कितना रिपेयरिंग में लगाया उसने? 500 रुपीज़। ये इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं हो गया कि लेके आए बाद में रिपेयरिंग में खर्चा कर रहे हैं, तो इसको तो भाई एक्चुअल में कितना पड़ा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो ये माना जाएगा कॉस्ट प्राइस जो कि आएगा। तो भाई देखो 2500 में खरीदा, 500 रुपीज़ और खर्च करती है, तो इसको टोटल 3000 रुपीज़ दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल में उसको घर पे सही सलामत कंडीशन में जो मिला है रेफ्रिजरेटर, वो मिला 2500 और 500 रुपीज़ दोनों स्पेंड करने के बाद, यानी उसने टोटल मिला के अपनी पॉकेट से कितना दे दिया रेफ्रिजरेटर के लिए, 3000 रुपीज़। ठीक है, अब कितने में सेल किया, जितने में सेल करता हो क्या होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया यहाँ से 3300 रुपीज़। ठीक है, अब आप सीधी सी बात बता दो यार मुझे, आप ही बता दो कि कॉस्ट प्राइस 3000 में ख़रीदा कोई चीज़ और 3300 में बेच दिया, फ़ायदा और नुकसान हुआ, कम में ख़रीदा ज़्यादा बेचा, बताओ। मैथ्स का फॉर्मूला भूल जाओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, परचेज किया 3000 में, 2500 में नहीं, 3000 में, क्योंकि ये भी तो भाई पैसा उसके पॉकेट से गया है। ठीक है, 3000 में परचेज किया, 3300 में बेच दिया, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ ना, तो यानी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट के लिए बोलोगे कि सर प्रॉफिट हुआ है 300 का, आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, सर 300 का प्रॉफिट हो गया, मतलब आपने मन में किया क्या कि 3300 था इसमें से 3000 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये लाइन आपने क्यों छोड़ दी फॉर्मूला लिखने के लिए, और फॉर्मूला रटेंगे नहीं समझेंगे, आपने खुद ने किया है भाई 3300, ये क्या है सेलिंग प्राइस, 3000 क्या है कॉस्ट प्राइस या फिर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया ये। अब बात कर रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट की, कितना परसेंटेज हुआ प्रॉफिट, मैंने कहा था कैलकुलेशन इस पे होगी क्योंकि अब आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है ये, तो प्रॉफिट हुआ 300 का, किस पे, 3000 पे, 2500 पे नहीं, पॉकेट से इतना गया था उसका, और मल्टीप्लाई बाय 100%, 20 से 20, 310 जा 10% का उसको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ उसको 10%, नोट कर लो एक बार इसको, नेक्स्ट करते हैं। अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज ईच, लाइन का मतलब क्या है, उसने टोटल 200 बल्ब परचेज करे, भाई शॉपकीपर है बहुत ज़्यादा उसको बल्ब की रिक्वायरमेंट है, और 10 रुपीज़ ईच उसका प्राइस था, 10 रुपये के बल्ब आते थे, ठीक है वो वाला उसका प्राइस था, तो आप खुद बताओ कि वन बल्ब की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 200 की इतनी होगी। ठीक है, तो वही वाली बात है, क्या क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बल्ब वो कितना है 10 रुपीज़, ये लिखा हुआ है कि उसने 200 परचेज किया 10 रुपीज़ ईच, तो ईच का मतलब वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका गिवन दो चीज़ें। उसके बाद हाउ एवर 5 बल्ब वर फ्यूज, अब भाई इतने ज़्यादा बल्ब लेके आए 200, सबको एक एक को लाया था, चेक तो करके नहीं लेके आया होगा, जहाँ से कंपनी से परचेज किए होंगे, ठीक है भरोसा करके लेके आ गया, पता लगा 5 बल्ब फ्यूज निकल गए, ओके एंड हैड टू थ्रोन अवे, अब फ्यूज बल्ब तो कोई खरीद के लेके आएगा नहीं, क्योंकि हम जब जाते हैं शॉप पे लेने के लिए तो हम एक एक बल्ब को चेक करवाते हैं जो भी हमें परचेज करना है, हम कौन सा 150 बल्ब लेके आ रहे हैं, एक दो लेके आते हैं चेक करके लेके आते हैं, तो उसने उसको फेंक दिया क्योंकि कोई खरीद के लेके जाएगा नहीं। रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच, अब सबकी सेलिंग कर रहा है वो पर बल्ब वो 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बेच रहा है, सीधी सी बात है प्रॉफिट उठाएगा अपना घर चलाना है उसको। ठीक है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, कितना गेन हुआ है कितना लॉस हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें सीधी सी बात हमें पता होना चाहिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसको कि कितना उसे पॉकेट से खर्चा किया, तो आप बोलोगे सर 10 रुपीज़, लेकिन 10 रुपीज़ उसने बल्ब बल्ब के लिए किया था और टोटल बल्ब कितने परचेज करके लेके आया था 200,
इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस, तो बोलोगे 1 का 10 है तो 200 का हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल पॉकेट से वो 2000 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिया था, ठीक है, ये उसका खर्चा लगा टोटल, बस और कुछ खर्चा नहीं लिया हुआ ना, लाने ले जाने के बारे में बात कर रहा है कि कुछ उसका रास्ते में उसको देना पड़ा किसी गाड़ी को किराए पे करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इतना उसका टोटल कॉस्ट प्राइस उसको इतना पड़ा, ओके, यानी इतना बल्ब ला के उसने अपनी शॉप के ऊपर, ये उसके शॉप है मान लो, उसने शॉप पे काउंटर पे यहाँ पे लगा दिए बल्ब, रख दिए सब, ठीक है। अब उसने आगे एक एक बल्ब चेक करना स्टार्ट किया, वह चेक तो करेगा, ठीक है, हो सकता है कि वैसे चेक ना किया हो सकता है कोई कस्टमर आया हो, कस्टमर के सामने चेक किया हो, वो फ्यूज़ निकल गया तो साइड में रख दिया, भाई ये तो लेके जाएगा नहीं, ठीक है, ऐसे करके तो नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब, कितने बल्ब फ्यूज निकले वो दे रखा है 5, ठीक है, तो क्या 5 बेचेगा? नहीं, तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स, गुड बल्ब्स मीन्स जिनको वो सेल कर सकता है, तो बोलो 200 टोटल थे, 5 फ्यूज हो गए, इसका मतलब 200 - 5, 195 बल्ब उसके पास बचे हैं, उसने इन सबको फेंक दिया, अब उसके पास टोटल 195 बचे हुए हैं, इनको ही सेल करेगा, ओके, सेल करना स्टार्ट किया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बल्ब उसने प्राइस रखा, भाई मैं तो दूंगा 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो वन बल्ब का सेलिंग प्राइस कितना है? 12, सारे बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ, मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे बताना क्या मिस्टेक की है, सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बल्ब, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो मिस्टेक हो गई, 200 बल्ब क्यों सेल करेगा वो, 5 तो फ्यूज हो गए थे, फेंक दिए उसने, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब, क्योंकि इतने ही ठीक है उसके पास में, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस वन बल्ब 12 रुपीज़, 195 का कितना लगेगा? 195 × 12, 12 × 5 = 66, 12 × 9 = 108, 6, ठीक है, तो टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस बना दैट इज 2340 रुपीज़। और कोई इन्फॉर्मेशन काम की बची है? फाइंड गेन और लॉस परसेंट, समझ रहे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कि 200 बल्ब लेके आए, एक बल्ब का प्राइस 10 रुपीज़ था, 200 का 2000 हो गया, 5 फ्यूज निकल गए, फेंक दिए, 195 बचे, वन बल्ब 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सेल करता है वो, तो 195 कितने में करेगा? इतने में करेगा। अब आप मुझे बताओ कि 2000 में परचेज किए थे सारे बल्ब और 2340 में सेल कर दिए, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? कम में लेके आया, ज़्यादा में बेचा, कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट, कोई फॉर्मूला नहीं, आप मन में ही कर लोगे क्या कि 2340 - 2000 = 340 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला बन रहा है आपके माइंड से, हम पहले फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम माइंड में सोच रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अरे यार कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा है, प्रॉफिट हो गया, कितना हुआ सब्ट्रैक्ट कर दो ना, ये चीज़ बाद में फॉर्मूला बना रहे हैं, तो फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, ये हो गया प्रॉफिट। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? बोले 340 रुपीज़ का। कितने पे हुआ आउट ऑफ? बोले 2000 इन्वेस्ट किए थे। देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी आपके सामने, कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, बोले 340 रुपीज़ का, कितने पे? 2000 इन्वेस्ट किया था और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो एवर ग्रीन है, तो आएगा ही आएगा, 20 से 20 कटे, 0 से 0 कटे, तो परसेंटेज प्रॉफिट मीन 17% प्रॉफिट हो गया उसको। कितना प्रॉफिट हो गया उसको? 17% प्रॉफिट हो गया, नोट कर लो एक बार इसको।
हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। अच्छा है समझना। मीनू बोट टू फैन, टू फैंस खरीद के लेके आई वो फॉर 1200 रुपीज़ ईच। पहले क्वेश्चन समझो कि टू फैन लेके आया आप मार्केट से, दोनों का प्राइस कितना है 1200 ईच। ओके, सी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%, लॉस में बेचना पड़ा, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही हो, ठीक है, एंड अदर एट प्रॉफिट ऑफ 10%, दूसरे को उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस बताओ, एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट लॉस, और बताओ टोटल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, इसने एक फैन खरीदा, फैन वन एंड फैन, ठीक है, दोनों 1200 रुपीज ईच। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें, कितने में लिया इसको भी 1200 रुपीज, इसको भी कितने में लिया 1200 रुपीज। ओके, फर्स्ट वाले पे इसने सेल किया, ठीक है, तो यहाँ है आपका लॉस इक्वल टू 5%। इसकी बात करें तो यहाँ है आपका प्रॉफिट इक्वल टू 10%। ठीक है, लॉस है 5%, लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब जो लॉस हुआ इसको, दैट इज 5%। किसका 5%, किस पे लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो होता है 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मीन्स 5% मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड कॉस्ट प्राइस मीन्स 1200, 1250 60 रुपीज़ का लॉस लिया इसने। कितने का लॉस लिया, 60 रुपीज़ का लॉस। अब आप खुद बताओ, कुछ कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है, यूज़ करेंगे फॉर्मूला मिनिमम। 60 रुपीज़ का लॉस, आप खुद बताना कितने में बेचा। आप कहोगे सर 1200 में परचेज किया था, 60 रुपीज़ लॉस में गया, मतलब 60 रुपीज़ कम में सेल किया तभी लॉस होगा। आप इसको 10 रुपीज़ का लेके आ रहे हो, 4 रुपीज़ लॉस में गए, कितने में बेचा, बोल सर 10 का था, 4 रुपीज़ लॉस, 6 में सेल किया हमने इसको, ये वाली बात है। तो 1200 का ख़रीदा था, 60 रुपीज़ लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बोल सर 1200 में 60 कम कर दो, यानी 1140 रुपीज़ में सेल किया है, तभी तो लॉस हो गया, कम में दे बेचना पड़ गया इसको। बात समझ में आ रही, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, वरना फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला बना आपका इसका, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, नहीं रटेंगे, ठीक है, लेकिन समझेंगे सही इसको। समझना क्या है, समझना ये है कि जब आपको लॉस हो रहा है तो सीधी सी बात है कम वैल्यू हो रही है, लॉस हो रहा है मतलब वैल्यू कम कर दी आपने उसकी। कम किस में से करोगे, कॉस्ट में से कम करोगे, और कम करने है मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, तो कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लॉस को, तो आपका क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। तो एक फॉर्मूला बन गया ये, बताओ कितना इजीली फॉर्मूला बन रहे हैं। अब बात करते हैं फैन टू की, तो बात करो प्रॉफिट तो ये दे रहा है यार, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 10%। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 10 मीन्स 10% मीन्स 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस मीन्स 1200। 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ज़्यादा में दे दिया इसने, तो आप खुद ही बता दो सर 1200 का लिया था, 120 रुपीज़ प्रॉफिट, ऐड कर दो दोनों को, इतने में बेचा उसने, तो यहाँ का जो सेलिंग प्राइस बनेगा दैट विल बी 1200 और 120 रुपीज़ प्रॉफिट लेके 1320 रुपीज़ में सेल करेगा, इतने में सेल कर दिया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आप खुद ही बता दोगे वाली चीज़ कि प्रॉफिट अगर होता है तो ज़्यादा में देते हैं, ज़्यादा मतलब प्लस,
किससे ज़्यादा में देते, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में देते, 10 रुपीज़ का लिया था, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, 10+5 में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो लॉस तो सब्ट्रैक्ट होता है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको पहले ये रटवा था तो समझ में कम आता, अब आपको खुद ने बनाया ये। ठीक है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा, दोनों का सेलिंग प्राइस बताओ, तो फर्स्ट वाले को भाई 1140 रुपीज़ में बेचना पड़ा, कम में बेचा, लॉस हुआ है 60 रुपीज़ का, सेकंड वाले के अंदर उसने 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 1320 में दे दिया उसने। ये बात तो हो गई इसकी इंडिविजुअल, इसने बोला बताओ टोटल लॉस हुआ कि टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखते हैं, कॉस्ट प्राइस 1200 था, ओके, सेलिंग प्राइस 1140, सेलिंग प्राइस 1320, टोटल बताना है ना, तो उसके पॉकेट से टोटल कितना खर्चा हुआ था स्टार्टिंग में, बोले सर 2 लेके आया था, 1200 प्लस 1200 2400 देके आया होगा शॉप पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों उसके पॉकेट से गए थे, तो 2400 इन्वेस्ट करके आया था। ठीक है, कितने में बेचा, इतने में, यानी इसके उसके पॉकेट से गए स्टार्टिंग में, आए कितने पॉकेट में, इन दोनों को ऐड कर दो, इतने पॉकेट में आए, बेचने पर तो आता है, बेचने पर आता है, तो टोटल सेलिंग प्राइस इन दोनों को जब ऐड करोगे, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 1300, 1400, 2400, 60। अब मुझे बताओ टोटल आपके पॉकेट से इतना गया, टोटल आपके पॉकेट में इतना आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अब देख के बताओ, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल, 60 रुपीज़ ज़्यादा मिले ना आपको, तो 60 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 2460 माइनस 2400, 60 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो हो गया आपका पूरा लिख के करने का, और ओरली पूछे तो ओरली कैसे बताओगे, कहोगे अरे सर कितना इजी है, 60 रुपीज़ का लॉस, 120 रुपीज़ का प्रॉफिट, 60 का लॉस, 120 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 60 का प्रॉफिट नहीं हो गया, 60 का लॉस माइनस, 120 का प्रॉफिट प्लस, तो ओवरऑल 60 रुपीज़ ही तो एक्स्ट्रा मिले आपको, वही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, बाकी रिमेनिंग पार्ट लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।